हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के 9 दिन मां के हर रूप के पसंदीदा 9 रंग, 9 मंत्र, 9 भोग के बारे में, जो आपकी पूजा को सफल करेंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व 7 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार नवरात्रि 8 दिन की होगी। इस बार के नवरात्रों में 5 रवि योग, सौभाग्य और वैघ्रति योग बनेगा। गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना की जाएगी। यदि आप इस शुभ योग में विधि पूर्वक माँ की आराधना और कलश की स्थापना करते हैं तो माता रानी के आशीर्वाद से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। हर कोई अपनी श्रद्धा अनुसार माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन मान्यताओं अनुसार यदि माँ की भक्ति के इस 9 दिनों में माँ की आराधना में 9 खास रंगों, 9 विशेष प्रकार के भोग, माँ के पसंदीदा 9 प्रिय फूल और माँ के 9 खास स्वरूपों के 9 खास मंत्रों के साथ की जाए तो यह बहुत ही शुभ और आपकी हर इच्छा पूरी करने वाला होता है। पहला दिन, नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। इनका एक नाम सती भी है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा में यदि आप हरे रंग का प्रयोग मां को भोग के रूप में गाय का शुद्ध घी और उन्हें अति प्रिय सफेद रंग का फूल चढ़ाते हैं तो इससे भक्तों को निरोगी होने का वरदान मिलता है। इस दिन मां की आराधना में ओम देवी शैलपुत्री नमः मंत्र का जाप करना जीवन में सफलता और शुभ फल देने वाला होता है। दूसरा दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा में यदि आप नीले रंग का प्रयोग माँ को भोग के रूप में शक्कर और उन्हें अति प्रिय सफेद या पीले रंग के फूल चढ़ाते हैं तो इससे भक्तों को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। तीसरा दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा में भूरे रंग का प्रयोग माँ को भोग के रूप में दूध या फिर दूध से बनी मिठाई और उन्हें शंख पुष्पी के फूल चढ़ाते हैं तो इससे आपको सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी चंद्रघंटायै नमः मंत्र का जाप करना विशेष लाभकारी होता है। चौथा दिन, नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यदि आप माँ की पूजा में नारंगी रंग का प्रयोग भोग के रूप में मालपुए और पीले रंग के फूल चढ़ाते हैं तो इससे भक्तों में बल बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करना विशेष लाभकारी होता है। पांचवा दिन, नवरात्रि के पांचवे दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा में क्रीम रंग का प्रयोग माँ को भोग के रूप में केले और उन्हें पूजा में नीले रंग के फूल चढ़ाते हैं तो इससे भक्तों को आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी स्कंद माताय नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। छठा दिन, नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यदि आप इस दिन माँ की पूजा में लाल रंग का प्रयोग माँ को भोग के रूप में शहद और लाल रंग के फूल माँ को चढ़ाते हैं तो इससे भक्तों की सौंदर्य व आकर्षण शक्ति बढ़ती है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। सातवां दिन, नवरात्रि के सातवें दिन देवी दुर्गा के सातवें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। सातवें दिन माँ की पूजा में नीले रंग का प्रयोग माँ को भोग के रूप में गुड़ और उन्हें अति प्रिय गुड़हल के फूल अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन से सभी संकटों का नाश होता है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी कालरात्रि नमः मंत्र का जाप किया जाए, इससे भक्तों को सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान मिलता है। आठवां दिन, नवरात्रि के आठवें दिन देवी दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। आठवें दिन माँ की पूजा में यदि आप गुलाबी रंग का प्रयोग माँ को नारियल का भोग और उन्हें अति प्रिय सफेद या लाल रंग के फूल अर्पित करते हैं तो इससे दाम्पत्य व संतान सुख में वृद्धि होती है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है।
नवा दिन नवरात्रि के नवे दिन देवी दुर्गा के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ अपने भक्तों को सिद्धि का वरदान देती है। नवे दिन यदि आप माँ की आराधना में बैंगनी रंग का प्रयोग माँ को भोग के रूप में तिल और उनके प्रिय लाल रंग के फूल अर्पित करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी सिद्धिदात्री नमः मंत्र का जाप किया जाए तो इससे भक्तों को कार्य सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय माता।